नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का बोल स्काई में स्वागत करती हूँ। हमारे देश में हवन की परंपरा बहुत पुरानी है। हिंदू धर्म में हर शुभ मौकों पर हवन अनुष्ठान का विधान है। मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए, तभी कार्य सफल होते हैं। हवन करने के दौरान मंत्र के बाद स्वाहा शब्द जरूर बोला जाता है, इसके बाद ही आहुति दी जाती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि प्रत्येक आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है और उसे बोलना क्यों जरूरी है? क्या है इसके पीछे की कथा? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में यही बता रहे हैं कि आखिर हर आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है स्वाहा का अर्थ। जब भी हवन होता है उसमें स्वाहा का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री हवन कुंड में डाली जाती है। स्वाहा का अर्थ सही रीति से पहुंचाना होता है। माना जाता है कि कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि हविष्य का ग्रहण देवता ना कर ले। देवता हविष्य तभी स्वीकार करते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। हवन के दौरान क्यों बोला जाता है स्वाहा? हवन के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ कथा का जिक्र हम आपको बताने जा रहे हैं। अग्नि देव की पत्नी को याद करते हैं। पहली कथा के मुताबिक स्वाहा राजा दक्ष की पुत्री थी जिसका विवाह अग्नि देव के साथ हुआ था। इसलिए जब भी अग्नि में कोई चीज समर्पित करते हैं तो उनकी पत्नी को साथ में याद किया जाता है, तभी अग्नि देव उस चीज को स्वीकार करते हैं। स्वाहा हमेशा अग्नि देव के साथ। दूसरी कथा के मुताबिक एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया। उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने लगी। इस कठिन परिस्थिति से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मण द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने अग्निदेव को चुना। उस समय अग्निदेव की क्षमता भस्म करने की नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। स्वाहा का आदेश दिया गया कि वो अग्निदेव के साथ रहें। इसके बाद जब भी कोई चीज अग्निदेव को समर्पित की जाती थी तो स्वाहा उसे भस्म कर देवताओं तक पहुंचा देती थी। तब से आज तक स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ रहते हैं। सभी सामग्री स्वाहा को समर्पित। तीसरी कथा के मुताबिक प्रकृति की एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने स्वाहा को आशीर्वाद दिया था कि देवताओं को ग्रहण करने वाली कोई भी सामग्री बिना स्वाहा को समर्पित किए देवताओं तक नहीं पहुंच पाएगी। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा जरूर बोला जाता है। यज्ञ पूरा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक हवन का ग्रहण देवता नहीं कर लेते। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा बोला जाए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। धर्म ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल बोल स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।